रामू। क्या है बाबू? बेटा गिरधर बता रहा था कि नहर में पानी आया है, मैं खेतों की सिंचाई करने जा रहा हूँ और शिब्बू आए तो उसे खेत पे भेज देना। अरे बाबू आज तो हम लोगों को मेला देखने जाने था। बेटा फसल सूख रही थी, पानी बरसा नहीं, बड़े मौके से नहर में पानी आया है, अगर हम जरा सा चूक गए तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बापू ये सिंचाई क्यों की जाती है? बेटा ये बताओ कि तुम खाना क्यों खाते हो और पानी क्यों पीते हो? ओहो तुम नहीं समझोगे, मैं शाम को आऊंगा तो बताऊंगा, सिर्फ इतना याद रखो कि शिब्बू को खेत पे भेज देना। अरे काका आप सिंचाई करने जाइए, रामू के सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। इसको तो सवाल पे सवाल करने की आदत है। अरे अच्छा तो है काका, अगर सवाल नहीं पूछेगा तो जानकारी कैसे होगी? अच्छा बेटा तुम लोग यहाँ बैठो मैं चलता हूँ, और हाँ शिब्बू को खेत पे जरूर भेज देना। अच्छा बापू। देखो रामू किस पिटारे में है तुम्हारे हर सवालों का जवाब। पिटारा? हाँ पिटारा, इसमें है फोटोग्राफ, मानचित्र और अन्य सामान। इनसे क्या होगा भैया? अरे इससे ही तो तुम्हारे हर सवालों का जवाब मिलेगा। पूछो क्या जानना चाहते हो? ये सिंचाई क्यों की जाती है? और हम तुम्हारे हर सवालों का जवाब हम बताते हैं। आओ बैठो रामू, पूछो क्या जानना चाहते हो? यही कि खेतों की सिंचाई क्यों की जाती है? लो ये भी कोई सवाल है? अरे खेतों से उगती है फसल और फसल से मिलता है हमारे लिए अनाज, अरे फसल की सिंचाई नहीं होगी तो फसल सूख जाएगी। तुम यूँ समझो कि खेतों के लिए सिंचाई बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पानी खेतों के लिए अधिकतर वर्षा से ही मिलता है, पानी की कमी सिंचाई को पूरी करती है। अपने उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान वर्षा नहीं होती है जिससे फसल की हानि होती है, और इस हानि को खेती से बचाने के लिए तथा अच्छी फसल के लिए सिंचाई की जाती है। क्या सब जगह नहरों से सिंचाई की जाती है? अरे नहीं, नहरें तो ज्यादातर अपने उत्तर प्रदेश में हैं। बस यूँ समझो देश के भिन्न भिन्न भागों में धरातल की बनावट अलग अलग है, इसलिए सिंचाई के भी तरीके अलग अलग हैं, जैसे कुएं, तालाब और नहरें आदि। ऐसा क्यों भैया? अच्छा बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये देखो अपने उत्तर प्रदेश में मैदानी भागों में नहरें सबसे अधिक हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि समतल मैदानी भागों में नहरें बनाना सरल होता है और इन्हें निकालने के लिए नदी का पानी बांध बनाकर प्रयोग किया जाता है, और इस प्रकार का रुका हुआ पानी सिंचाई के काम आता है। अच्छा इस नक्शे में देखकर बताओ कि अपने देश में नहरें कहाँ कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के नदियों के डेल्टों में। हाँ हमारे उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक नहरें हैं जिनके द्वारा राज्य की एक तिहाई भाग की सिंचाई की जाती है। हाँ भैया इस मानचित्र में तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में सबसे अधिक और सबसे बड़ी नहरें हैं। रामू ये देखो बिहार, यहाँ वर्षा ऋतु में वर्षा काफी होती है तथा इस वर्षा के अनिश्चित तथा अन्य महीनों में पानी की कमी के कारण यहाँ के काफी बड़े क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। इस कारण से पश्चिम बंगाल के पठारी क्षेत्रों में नहरों की व्यवस्था की गई है। अच्छा रामू अब तुम ये बताओ दक्षिण भारत में नहरें कहाँ कहाँ पर हैं? इस मानचित्र में तो दक्षिण भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टो वाले क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई की जाती है, और पंजाब और हरियाणा में। अब बताओ सिंचाई का दूसरा साधन क्या है? तालाब, कुएं और नलकूप। हाँ यहाँ जमीन कड़ी तथा पथरीली होती है, वहाँ अधिकतर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत के पठारी भाग में यह सिंचाई का प्रमुख साधन है, और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कुओं से भी सिंचाई की जाती है, और नलकूपों से सिंचाई होते हुए तो तुमने देखा ही होगा। और जानते हो रामू नलकूपों द्वारा सिंचाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, गुजरात, राजस्थान आदि जैसे राज्यों में भी काफी मात्रा में की जाती है। छोटी सी बात और इतनी बातें, इन सब के बारे में तो जानता ही था, सिर्फ ये नहीं पता था कि कौन सा साधन अपने देश के किस भाग में प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा तुम्हें सब याद हो गया? हाँ भैया सब याद हो गया। सिंचाई के साधन क्या क्या हैं? आपने अब तक जो देखा सुना समझा आओ उसे एक बार फिर दोहराएं। सबसे पहले आरंभ करते हैं सिंचाई से, जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और हवा की जरूरत है,
ठीक उसी प्रकार फसल को जीवित रखने के लिए पानी एवं अन्य खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। आवश्यक खनिज तो फसल को धरती से मिल जाता है, परंतु पानी के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। हमारे देश भारत में अधिकतर खेतों की सिंचाई वर्षा के पानी से होती है, परंतु पूरे भारत में वर्षा एक समान नहीं होती, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। बच्चों, ये देखो भारत की वार्षिक वर्षा का मानचित्र। इस मानचित्र से आपको ज्ञात होगा कि संपूर्ण भारत में वर्षा एक समान नहीं होती। इस मानचित्र को देखो, पूर्वी बंगाल, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी घाट के क्षेत्र, पश्चिमी घाट के क्षेत्र, उड़ीसा में 200 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब में वर्षा 60 से 200 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बच्चों, सिंचाई के मुख्यतया तीन साधन हैं, नहर, कुआं और तालाब। सबसे पहले हम बात करते हैं नहर की। वर्षा ऋतु में नदियों के पानी को बांध बनाकर रोक लिया जाता है, फिर जब सिंचाई की आवश्यकता होती है तो उसी पानी को नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। नहरें अधिकतर समतल मैदानी भागों में बनाई गई हैं, क्योंकि समतल मैदानी भागों में नहर बनाना सरल होता है। इस मानचित्र को ध्यान से देखो, यह मानचित्र उत्तर भारत के नहरों का है। इस मानचित्र के माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि हमारे देश के उत्तर भाग में नहरें मुख्यतया उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिमी बंगाल में हैं। वे भी नदियों के क्षेत्र में हैं। अब ये मानचित्र देखो, ये मानचित्र है दक्षिण भारत में नहरों का। इस मानचित्र से आपको ज्ञात होगा कि दक्षिण भारत में नहरें कहाँ कहाँ हैं। इस मानचित्र के अनुसार दक्षिण में नहरें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्रों में हैं। यहाँ पर नहरें इसलिए अधिक हैं क्योंकि ये क्षेत्र समतल मैदानी हैं। बच्चों, कुएं और तालाबों से सिंचाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ नहरें बनाना कठिन होता है। पथरीली और कड़ी जमीन में नहरें बनाना कठिन है। बच्चों, अब आपने सीख लिया होगा कि खेतों में सिंचाई क्यों आवश्यक है और सिंचाई के कौन कौन से माध्यम हैं।